नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। स्वागत है आपका हमारे मैकेनिकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम आपको विंडो एसी की कॉइल कैसे चेंज करें और इसके पार्ट रिपेयर कैसे करें उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बीच में स्किप ना करें। यदि आप वीडियो को बीच में स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे हम आपको इस वीडियो में क्या बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों हम सिंपली इसकी कॉइल लेके आए हैं दूसरी, ठीक है, नई वाली। तो इसके पाइप जहाँ से हमने काटा है वहाँ पर हम रेती से अच्छी तरीके से रगड़ देंगे ताकि यहाँ पर टांका यानी ब्रीजिंग आसानी से हो सके। ठीक है दोस्तों, और जहाँ से हमने इसकी जो एसी की फ्रंट वाली कॉइल है वो इसकी ख़राब हुई है दोस्तों, इसकी फ्लिप्स भी ख़राब है, वहाँ से भी हम इसको इसकी जो पाइप है उसको वहाँ से ट्यूब कटर की सहायता से काट देंगे दोस्तों। ठीक है, और ये जो कैपलरी हैं तीन, ये भी हम रेती की सहायता से इसको काट देंगे दोस्तों। वीडियो को बीच में स्किप ना करें दोस्तों। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमारे मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हमने एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, आरओ से रिलेटेड वीडियो डाल रखी है दोस्तों हमने चैनल पे, वहाँ जाकर आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने ट्यूब कटर की सहायता से हमने इसका पाइप काट दिया है। इसकी ये फ्रंट वाली कॉइल है ये ख़राब हुई है, तो हम इसका इसको चेंज करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अब जो हम इसमें कॉइल लगाएंगे उसकी जो कैपिलरी है उसको भी हम ट्यूब कटर की सहायता से काट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बंद हुई थी आगे से, हमने प्लास के साथ काटी हुई थी, इसलिए हम ट्यूब कटर की सहायता से इसे काट देंगे। ठीक है, ताकि कैपिलरी इसमें डाल के अच्छे से ब्रीजिंग की जा सके, अच्छे से टांका लगाया जा सकते, और रेती से भी हम इसको रगड़ेंगे ताकि यहाँ ब्रीजिंग यानी टांका आसानी से लग सके। ये देखिए दोस्तों, इसका फ्रंट वाला ब्लोर है, ये भी हम सिखाएंगे आपको कैसे डलेगा दोस्तों। ठीक है, ये इसकी साफ्ट है दोस्तों, और ये हमारा ब्लोर है। ब्लोर को सिंपली हम साफ्ट में डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, अब इसके यहाँ पर हम लॉक फंसाएंगे, लॉक पैंच प्लास की सहायता से हम फंसाएंगे। देखिए दोस्तों, लॉक को दोनों की दोनों साइडें दबा के इसमें अच्छी तरीके से डाल देंगे और फिर इसको कस देंगे ताकि ये लूज ना रहे और ये इसमें से निकले ना। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने इसमें ब्लोर फिट कर दिया है और प्लास की सहायता से हमने इसको भी टाइट कर दिया है। तो हम इसकी जो, देखिए दोस्तों, हमने इसका जो नई कॉइल लेके आए थे हमने इसमें डाल दी है दोस्तों, और इसकी जो कैपिलरी है जो हमारे कंप्रेसर से आ रही है वो हमने इसमें इसकी पाइपों में डाल दी है अंदर की तरफ। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से। और ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी जो पुरानी वाली कॉइल है उसके हम कैपिलरी को काटेंगे प्लास की सहायता से। हमने पहले से रेती से उसको कट लगाया है और उसके बाद हम इसको कैपिलरी को निकाल रहे हैं। बड़े वाला पाइप हमने इसका जो क्वार्ट सेक्शन का था दोस्तों वो हमने इसका काट दिया है ट्यूब कटर की सहायता से। अब इसकी कैपिलरियों को हम रेती से कट लगाया हुआ है तो प्लास की सहायता से हम इसे काट देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए हमने इसमें कट लगा दिया है और तीनों की तीनों कैपिलरियों को हम इसमें से काट देंगे। और हमने इसकी जो फ्रंट वाली कॉइल है वो हमने बाहर निकाल दिया है। अब हम इसकी जो सी न्यू कॉइल लगाएंगे दोस्तों वो हमने इसमें फिट कर दिए हैं। सबसे पहले हम इसमें फिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिट करने के बाद इसमें हम पिंच लगा देंगे। ठीक है, और पिंच ध्यान से लगाएंगे ताकि कॉइल में ना जाएँ। उसके बाद इसका जो, देखिए हमने इसमें ब्रीजिंग कर दी है। ब्रीजिंग कैसे करें दोस्तों वो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।